हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज हम बात करेंगे कि एक हेल्दी स्किन क्या होती है, हम एक हेल्दी स्किन और एक सुंदर त्वचा किसको कहते हैं और हम उसको कैसे पा सकते हैं और हम एज को कैसे डिले कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आज हम इस बारे में बात करेंगे और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा और सबको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, एक हेल्दी स्किन क्या होती है? गोरी त्वचा एक सुंदरता का पैमाना नहीं है। इवन स्किन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक सुंदरता को हम कह सकते हैं कि अगर कोई सुंदर स्किन है, अगर इवन स्किन है, हाइड्रेटेड स्किन है और लश्चर है स्किन में, शाइन है स्किन में और एक टोन अप स्किन है, तो हम उसको एक सुंदर स्किन कह सकते हैं। गोरा होना, बहुत लोगों को डाउट होता है कि गोरी स्किन है तो सुंदर है। हम यहाँ पे इंडिया में रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कलर डाउन होता है, तो जिनके पास जो चीज़ होती है वो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं और जिसकी जो चीज़ नहीं होती उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। लाइक कोकेशियन स्किन, हम US में जाएंगे वहाँ पे सब गोरे होते हैं तो वो टैनिंग क्रीम लगाते हैं टैन करने के लिए, हम लोग यहाँ पे व्हाइटनिंग क्रीम लगाते हैं गोरा होने के लिए। बट यस, ये अपनी पर्सनल चॉइस है, जिसको गोरा होना है वो इंस्टा ब्राइट पैक लगाओ और जिसको स्किन इवन चाहिए। अकेला गोरा होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किन अगर आपकी गोरी है और लश्चर नहीं है, आपकी स्किन में झुर्रियाँ आई हुई हैं, आपकी स्किन में शाइन नहीं है, आपकी स्किन में रेडियंस नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी स्किन नहीं विजिबल हो रही है, डेड स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है या पिगमेंटेड स्किन है, तो भी पसंद अच्छी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप मेरे से पूछे तो क्या फॉलो करना चाहिए, तो गाइस इसके लिए बहुत अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, क्योंकि अंदर से बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो हम लगाते हैं चेहरे में लगाते हैं, बट वो टेम्प्रेरी इफेक्ट देती है और एक लोकल एरिया में इफेक्ट देती है। अगर मैंने कोई क्रीम को फेस में लगाया तो बिकॉज वो फेस में लगाया है तो लोकल एरिया में एप्लीकेशन है, उसका एब्जॉर्प्शन लोकल एरिया में होगा, रिजल्ट भी लोकल एरिया में देगी। बट अगर मेरे को फुल बॉडी में रिजल्ट चाहिए तो मैं क्या करूँ? उसके लिए गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्किन फैक्ट की वाई स्किन। ये पेटेंटेड दवाई है फ्लुएंस फार्मा का, एक न्यू फॉर्मूला उन्होंने लॉन्च किया है विच इज पेटेंटेड। गाइस इंडिया में बहुत ही कम पेटेंटेड दवाई है जो रिजल्ट देती है और फ्लुएंस फार्मा गारंटी देती है 100% रिजल्ट ओरिएंटेड बॉक्स पे लिख के देती है, तो रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे अगर आप उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। तो फॉलो भी क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, डब्बा खोलना है, यहाँ पे डब्बे पे लिखा है किस दिन कौन सी गोलियां खानी है, सब कुछ मेंशन है और इसके अंदर आपको पूरा 1 मंथ का डोज मिलता है। करता क्या है ये आपकी स्किन को जो हाइड्रेशन उसको रिस्टोर करता है। स्किन में हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप खूब ज्यादा पानी पीते हैं बट डिहाइड्रेटेड स्किन बहुत ही लश्चरलेस स्किन होती है, तो ये आपकी स्किन में हाइड्रेशन का लेवल को बढ़ाता है। आपकी स्किन में इलास्टिसिटी क्या होती है, जैसे आप देखोगे मैंने यहाँ पे स्किन को खींचा और जब छोड़ा तो इसकी जो वापस रिकॉइलिंग फंक्शन है दैट्स इलास्टिसिटी, इसमें इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, कोलेजन को बूस्ट अप करता है, स्किन में कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको बूस्ट अप करता है और इसमें स्किन के ग्लो को बढ़ाता है। इसमें ग्लूटाथियोन भी है, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन रिवर्सिट्रॉल है जो एंटी एजिंग में भी वो काम करेगा। तो गाइस ये अकेला स्किन में एक चीज के लिए नहीं है, ये कंप्लीट पैक है, एक ऐसा पैक फ्लुएंस फार्मा ने बनाया है, फॉर्मूला बनाया है जो आपकी स्किन के हर कंडीशन को केयर करेगा। कोई भी बीमारी नहीं कहूंगा मैं इस चीज को, कोई भी इश्यूज है स्किन के, एजिंग फैक्टर के इश्यूज है उसको ये कवर अप करेगा। आपको इसके अलावा कोई मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जिम जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो कोई ना कोई गोली खाते रहते हैं, उन्होंने कहा ये मल्टीविटामिन खा लूँ, वो मल्टीविटामिन खा लूँ, ये ई खा लूँ, सी खा लूँ, ग्लूटाथियोन खा लूँ, सब कुछ खा लूँ, पता नहीं क्या खा लूँ। उन्हें खुद नहीं पता होता क्या खा रहे हैं, किसके साथ क्या खाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस दिन एक साथ सारी विटामिंस नहीं खाना चाहिए। गाइस मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप डेली भर भर के मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो आपको हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, इसके कारण भी आपके हेयर लॉस होना चालू हो जाएंगे, आपकी बीमारियां बहुत सारी और ज्यादा होने लगेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिमिट की मात्रा में आपको विटामिंस खाने चाहिए जो ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर क्या क्या है आपको फटाफट बता दूं, इसमें बहुत कुछ है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, मोरिंगा है, एल टायरोसिन है, वेलेरिन है, एल थियनिन है, कैमोलिन है, ट्रिप्टोफेन है, मेलाटोनिन है, इसको रात में खाना, नींद बहुत अच्छी आएगी, विटामिन B5 का डोज है ये। दूसरा क्यूरोसिटिन है, एनएसिटाइलसिस्टीन है विच इज आपके जो ग्लूटाथियन के लेवल को नॉर्मली बॉडी के अंदर बढ़ाता है, मैग्नीशियम अगेन है, इसमें अल्फा लाइपोलिक एसिड है, विटामिन ई है, बायोटीन है, हेयर के लिए भी जिंजर एक्सट्रैक्ट है, कैल्शियम है, डी पेंटिथनेट है, फेरस एस्कॉर्बेट है, निकोटिनमाइड टैबलेट है,
देखो इसके अंदर जो टैबलेट्स है ना, ये आपके ओवरऑल बॉडी के हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके हर टिश्यू पे जाके ये वर्क करेगा। इसमें दूसरे में है सेंटेला एसिटिका है, सीबकथ्रम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वेरी गुड फॉर स्किन। आपने कोरियन स्किन देखी है, वो खूब सी फूड खाते हैं, ओमेगा भर भर के खाते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा यंग रहती है, बहुत डिले एजिंग होती है। और इसमें सोडियम हाइलुरोनेट है, हाइलुरोनिक एसिड इज वेरी गुड फॉर स्किन हाइड्रेशन। इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, वाइटामिन सी है, बीटा कैरोटीन है, जो कि आपको सन डैमेज से बचाता है, धूप में जब हम जाते हैं तो सन डैमेज होता है, उसको भी ये बचाता है। निकोटिनमाइड है, राइबोसाइड है, और निकोटिनमाइड मोनो न्यूक्लियोटाइड टैबलेट भी है, विच इज़ ये आपको सन डैमेज से पूरी तरीके से यूवी डैमेज को भी कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर है वाइटामिन सी, आंवला एंड जिंक एक्सट्रैक्ट की टैबलेट भी है। इसमें पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, और पुनर्मा है, आंवला है, पद्मा है, भृंगराज है, पता नहीं क्या क्या है ये। इट्स अ कंप्लीट पैक ऑफ आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक। किस दिन कौन सी गोली खानी सब लिखा हुआ है, एक साथ नहीं खाइएगा, क्योंकि कई बार होता है कि आप जब मेडिकेशन खाते हैं एक साथ वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, तो एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मल्टीविटामिन मार्केट में मिलती है ना, वो इतनी सी कैप्सूल में क्या क्या डाल देंगे यार, तो एक साथ नहीं आता है, तो बॉडी को जो प्रॉपर डोजिंग चाहिए ना, वो इसके अंदर मिलेगा आपको। खत्म नहीं हुआ अभी, बाप रे क्या क्या खिला रहे हैं लोग। ये प्यूरिकिन है, ये बॉडी को प्यूरीफाई, आपके ब्लड को प्यूरीफाई करेगा। इसमें नीम वीम पेपर, ब्लैक पेपर, आंवला, पता नहीं क्या क्या लिखा है, बहुत कुछ कुछ है, मगर खाना है, स्किन को क्लियर आउट करना है, तो पढ़ने में तो नहीं इतना सारा है, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, मतलब हिंदी पढ़ने में थोड़ा वीक हूँ मैं। तुलसी, नीम, जिंजर, पेपर, पिपली, आंवला, हरी टकी मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ गाइस, तो आयुर्वेदिक के नाम मेरे को नहीं समझ में आ रहे हैं, बट इसके अंदर ये वो भी चीज़ें हैं, सो सॉरी इस चीज़ को अवॉइड, मतलब थोड़ा छोड़ देना। ओके, तो रिवर्सिट्रॉल है, मशरूम एक्सट्रैक्ट टैबलेट है इसके अंदर, ये मेरे रिवर्सिट्रॉल है। आपको पता है रेड वाइन फॉरन में मेरा बहुत ही क्लोज है, वो खूब रेड वाइन पीता है, बिकॉज उसने उसको किसी ने बोला कि रेड वाइन इज वेरी गुड फॉर स्किन, और यस रेड वाइन इज वेरी गुड फॉर स्किन। आप अगर देखेंगे रशिया में देखेंगे या फॉरन में देखेंगे, वहाँ पर डेली रेड वाइन पी जाता है, बिकॉज उसमें रिवर्सिट्रॉल है, विच इज़ वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट, वो बॉडी को ऑक्सीडेशन को रोकता है। बट क्या आप रेड वाइन पीते हैं? नहीं पीते, बहुत ही गंदा टेस्ट होता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गाइस आपको भी अगर पसंद नहीं है, और ये एक्सेप्टेड पार्ट है, मतलब एक टैबलेट में कम से कम पता नहीं कितने सारे बॉटल्स ऑफ रेड वाइन का एक्सट्रैक्ट होगा, तो इसके अंदर वो भी है। एंड ग्लूटासज, ग्लूटाथियॉन, सबका फेवरेट है ग्लूटाथियॉन, चूसने वाली टैबलेट है ग्लूटाथियॉन, कितनी सारी चूसते रहो। ग्लूटाथियॉन हमारी बॉडी को अंदर से इवन टोन करता है, गोरा बनाता है, एंटी ऑक्सीडेंट है, सेलुलर लेवल पे भी वर्क करता है, बहुत सारे काम इसके बहुत अच्छे अच्छे हैं, और उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो गाइस ये इतना सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, जो कि कंप्लीट पैक है फॉर आपका गुड स्किन, हेल्दी स्किन को बनाने का। आफ्टर 20 एज मैं सजेस्ट करूंगा कि हर किसी को लेना चाहिए, बट आफ्टर 25 तो कंपलसरी ही है, बिकॉज अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए, एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी स्किन में डैमेज अभी दिख रहा है, जो चेहरे पे डैमेज दिख रहा है, मेरी एज है 39, मेरे चेहरे पे जो थोड़े थोड़े रिंकल्स आना चालू हो गए हैं मेरा, क्योंकि बहुत दिन से बोटॉक्स नहीं कराया है, तो मेरे रिंकल्स दिखना चालू हो गए, तो ये भी अगर नहीं आते, अगर मेरे पास ये डब्बा पहले आ चुका होता, अगर 4-5 साल पहले मैंने खाया होता ना, तो अभी तक मैं और ज्यादा जवान दिख रहा होता। आपने देखा ना कोरियन स्किन, वो क्या करते हैं, वो हेल्दी फूड खाते हैं, हमारी तरह तला भुना नहीं खाते, वो गंदी चीजें नहीं खाते, वो हेल्दी फूड खाते हैं। तो मैं इंडियन हूँ, तो मेरी जीभ भी लपलपाती रहती है, मैं इतना हेल्दी फूड नहीं खा पाता, मतलब ठीक है। बट गाइस अभी आप सीरियस हो जाओ, अगर आप सीरियसली अपनी स्किन के ऊपर है, तो आप मैं जो बता रहा था, हमारी स्किन में जो डैमेज दिख रहा है वो आज का नहीं, 4-5 साल पहले का एक्यूमेटेड डैमेज होता है, और ये आपके हर डैमेज को सन प्रोटेक्शन भी करेगा, आपका हर डैमेज को कंट्रोल करेगा, और उसको रिवर्स करेगा, और आपको एंटी एजिंग को प्रमोट करेगा, स्किन को इलास्टिसिटी देगा, शाइनिंग देगा, सब कुछ देगा। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा पसंद आया मुझे बताइए जरूर, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिए, मेरा आईडी डॉक्टर अरविंद गुप्ता, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, www.lascomic.com पे जाकर ले लीजिएगा इसको। इसकी प्राइस है अराउंड 4-3, थोड़ा कॉस्टली है बट इफेक्टिव है, अपनी स्किन के लिए तो करना बनता है।